आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा लोकहित पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में सिरसा के श्री बाबा तारा जी कुटिया में इनेलो छोड़ हलोपा में सैकड़ों युवा शामिल हुए। सभी युवाओं को श्री बाबा तारा जी कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने पार्टी का पट्टा और बैंड पहनाकर हरियाणा लोकहित पार्टी ज्वाइन करवाई। वहीं हरियाणा लोकहित पार्टी ज्वाइन करने के बाद युवाओं में भारी जोश देखने को मिला। उन्होंने गोविंद कांडा और हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो एवं विधायक गोपाल कांडा के नाम से नारे लगाए। युवाओं ने गोविंद कांडा को आश्वासन भी दिया कि वो अपने क्षेत्र से गोपाल कांडा को जिताकर ही भेजेंगे और जहां भी युवाओं की जरूरत पड़ेगी वहां हरियाणा लोकहित पार्टी के कार्यकर्ता आगे मिलेंगे। ये सभी मेरे परिवार के मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं, जिन्होंने भी आज हरियाणा लोकहित पार्टी के भाई गोपाल कांडा जी के परिवार में, जो भी परिवार के सदस्य परिवार में ही है, और ये श्री बाबा तारा कुटिया में आज जुड़े हैं। और मैं तो इनको यही प्रेरणा दूंगा कि आप इस परिवार के साथ सिरसा की सेवा करें और जहां भी आपकी परिवार में सिरसा में आपकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि पूरा ग्रुप है, बच्चों का ग्रुप है, मेरे बच्चे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप जहां भी कहीं समाज सेवा में, धार्मिक में या कहीं गांवों में, यहां किसी का शादी करवानी है, किसी का इलाज कराना है, तो आप अपने ग्रुप से, मैं तो यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा तारा बाबा कुटिया से आप जुड़े हैं तो सब सेवा करें। बात करते हैं राजनीति पर, बात करते हैं चुनाव कैसा चल रहा है, प्रचार कैसा है? चुनाव बहुत बढ़िया है, चुनाव एक तरफ है, माहौल एक तरफ है। जी जी जी, क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, मैं सिरसा को एक यही कहूंगा कि सिरसा का सेवादार कांडा परिवार है और सदैव आपकी सेवा करेगा ये कांडा परिवार। और 15 साल से जब से राज, वैसे तो 20 साल से बाबा तारा जी का आशीर्वाद है, हम सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन 15 साल में मेरे सिरसा के परिवारों ने परख लिया है, जांच किया है कि ये सच्चा सेवादार परिवार है। तो मैं यही कहूँगा कि राजनीतिकों से दूर रहें और सेवा परिवार को आगे लें, और सेवा सिरसा की सेवा, हम हमेशा सदैव, हमारा कांडा परिवार सिरसा की सेवा करता है।